हेलो एवरीवन, बात करेंगे मूली के फायदे। जो रेडिश है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। जनरली इंडिया में आप देखेंगे मूली इस वाले मौसम में, जो सर्दी वाला मौसम है, बहुत चलती है। पैन इंडिया मिलती है, पैन वर्ल्ड में मिलती है वो, और देशों में भी ये बहुत ज्यादा मिलती है। थोड़ा बस स्ट्रक्चर में चेंज है, थोड़ा कलर में चेंज है, बट इंडिया में जो मूली मिलती है वो इस तरह वाली मिलती है, जिसकी मैं फोटो आपके सामने लगा रहा हूँ। इसका विशेष बेनिफिट, अगर आप सर्दियों में इसको लेते हैं, कम से कम 10 में से 8 लोगों को बहुत जबरदस्त फायदे मिलते हैं, उनका लीवर तक ठीक हो जाता है। जानिए मूली के अंदर क्या है और इसके क्या क्या और अन्य बेनिफिट्स हैं। तो सपोज कीजिए, अगर आप 100 ग्राम मूली खा लेते हैं, चाहे आप सुबह शाम में खा लें उसको, टोटल 100 ग्राम अगर आप खा लेते हैं तो 16 कैलोरी उसके अंदर आपको मिलेगी। इतनी ज्यादा हाई कैलोरी नहीं है कि आपको वजन वगैरह बढ़ना शुरू हो जाए। वजन इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फैट की जो मात्रा है वो 0 है, समथिंग 0 ही आप मानिए। इससे आपका बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी 0 है। आपका अगर लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहती है, कोलेस्ट्रोल भी आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है, अगर आप मूली लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रोल को कम करने में सहायक रहेगी। कोलेस्ट्रोल की मात्रा इसके अंदर 0 है। सोडियम हम देखें 39 है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी है लगभग 24%। तो विटामिन सी मैंने बताया हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है इम्यून बूस्टर के लिए। हमारी बॉडी को अगर विटामिन सी ना मिले, विटामिन डी ना मिले, तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम रहेगी। उसका कोई ऐसा विशेष बेनिफिट नहीं लगेगा, हमारी बॉडी बीमार होती रहेगी, कोई फायदा उसमें नहीं लगेगा। तो विटामिन सी की भी इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा है। बात करेंगे किस किस बीमारी में। तो जनरली आप अगर आप हेल्दी हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो तो ही आप इसको इस्तेमाल करें, बट आज के समय हम देखते हैं हर व्यक्ति बीमार है, कभी कुछ कभी कुछ, किसी को छोटी बीमारी, किसी को बड़ी बीमारी। कुछ ही है, 10 में से 2 लोग मान के चलिए जो कि आज के समय कंप्लीटली फिट हैं, स्वस्थ हैं। किसी को बार बार फीवर आता रहता है, किसी को पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज है, किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है, किसी की पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मूली आप इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई डायबिटीज है तो डायबिटीज को कम करने में बहुत मदद करती है। शुगर है आपको, मतलब ग्लूकोज लेवल आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल ही आपको फायदा देगी। आपकी इम्यूनिटी मैंने आपको बताया विटामिन सी की इसके अंदर मात्रा है, तो अगर आप बार बार बीमार होते हैं मूली का सेवन जरूर कीजिए। बाकी अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी इसका विशेष बेनिफिट रहता है। हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन बनी हुई है रेफेनस सैटाइवस, जो कि रेडिश से ही बनी हुई है, मूली से ही बनी हुई है, और होम्योपैथी डॉक्टर्स उसको यूज करते हैं जहां पे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। पेशेंट आके बोलता है जी मेरा पेट अफर जाता है, गैस पास नहीं होती है, और हमें पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अफारा होता है। तो गैस के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिससे पेशेंट को इरेक्टेशन वगैरह आने शुरू हो जाए, बहुत उसको फायदा लगेगा, डकारे वगैरह आने शुरू हो जाएंगे इसको दवाई को लेने से, क्योंकि वहां बंद लग जाता है, ऊपर से भी नीचे से बंद लग जाता है, गैस पास नहीं होती है, जिसकी वजह से पेट पूरा फूल जाता है। तो रेफेनस सैटाइवस उस कंडीशन में दी जाती है, अगर भूख कम हो गई है उस कंडीशन में दी जाती है। बात करेंगे लीवर की। अगर लीवर के अंदर आपकी समस्या है, खास करके LFT आपने करवाई है, लीवर फंक्शन टेस्ट आपने करवाए हैं, और उसमें आपने देखा होगा आपके बिलीरुबिन पीली आपको है, ज्वाइंटिस आपको बढ़ा हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि अगर आपको ज्वाइंटिस 5 है 6 है तो आपको मूली ही लेनी है, उससे आप 100% ठीक हो जाएंगे। अगर आपका बिलीरुबिन 5 6 हो चुका है तो आपको खुद समझना चाहिए आपके बॉडी के अंदर, आपके लीवर के अंदर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन बन सकती है, जो कि आपको गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाने से मिलेगी। मूली आप जाने के एक सपोर्टिव सिस्टम है, अगर आप साथ में लेंगे तो थोड़ा आपको विशेष बेनिफिट लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी से पीलिया को कम करता है, बिलीरुबिन को कम करता है, यूरिन और स्टूल के माध्यम से ज्यादा निकाल के ये उसको कम करेगा। तो अगर आपको जॉइंटिस है, पीलिया रहता है, तो आप इसको जरूर यूज कीजिए। बाकी अगर आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है तो आप इसको जरूर यूज कीजिए। बाकी मूली के तो और अन्य बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन है, जो लीवर से कनेक्टेड है, उसी के लिए मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी भी बढ़िया है, हमारा लीवर भी तभी बढ़िया से काम करेगा, और हमारा लीवर बढ़िया है तभी अच्छे से इम्यूनिटी काम करेगी। दोनों चीजें आपस में लिंक होती है। जान लीजिए आप इसको कैसे लेंगे, क्या तरीका है मूली लेने का। तो सुबह में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिए, या अगर आप काटना नहीं चाहते हैं नमक लगा के आप उसको ऐसे खा लीजिए। लगभग एक मूली या आधा मूली जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जरूर खाली पेट लीजिए। सपोज कीजिए मूली आपसे ऐसे नहीं खाई जाती तो आप उसका मिक्सर में जूस निकाल लीजिए, काला नमक डालिए, जो भी डालना एक्स्ट्रा में पुदीना वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं, और आप उसका जूस निकाल के सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। पहला ऑप्शन, आप उसको अच्छे से चबा के खा लीजिए, सबसे बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे खाने में प्रॉब्लम है तो उसका आप जूस निकाल लीजिए। सेकेंड ऑप्शन ये है, सुबह में नहीं, सुबह में आप और कुछ खाते पीते हैं या कोई अन्य दवाई चल रही है तो आप इसको ले लीजिए, सलाद के रूप में ले लीजिए। सलाद के रूप में ना, तो भाई शाम के नंबर में आप इसको ले लीजिए, टहलते टहलते आप मूली खाइए। तो ये इतने तरीके से ली जाती है और इसके विशेष बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मूली आप लाते हैं, कोशिश कीजिए ताजी से ताजी आपको मिले। जो मूली आपने ला कर रखी है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए,
और फ्रिज रखने, फ्रिज के अंदर भी रखने का आपको एक सिस्टम है कि आप एक गीला कपड़ा कीजिए, जो मूली आपके पास है उनको आप अच्छे से लपेट के रखिए गीले कपड़े के अंदर, तो वो जल्दी से सूखेंगी नहीं। बाकी कोशिश यही कीजिए कि लगभग 2 से 3 दिन में सारी मूली आप खा लीजिए। अब ऐसे 2 किलो मूली लाए हैं तो कोशिश करेंगे उसको 2 से 3 दिन में आप सारी खा लें। मूली की आप सब्जी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। बाकी लीवर के जुड़े हुए अन्य वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।